तीन महीनों से वहां बहुत बार गए हैं, आप लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये उनमें से मतलब वाकई एक बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा कि साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत को एक अलग देश होना चाहिए, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इसका जवाब तो साक्षात में राहुल जी को देना चाहिए। आज तक कांग्रेस ने उस नेता के बयान से कन्नी नहीं काटी। देश की जनता तो मान रही है, कांग्रेस का पॉलिसी यह है कि इस देश का दो टुकड़ा होना चाहिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया जी। मगर राहुल बाबा, आप चिंता मत करो, अब भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है, कांग्रेस दूसरी बार इस देश का विभाजन नहीं कर पाएगी, कभी ये देश के टुकड़े हम नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कर रहे हैं आप, चुनाव जीतने के लिए दो देश बनाने की बात कर रहे हैं, और क्या होगा इस पार्टी को, इतनी पुरानी पार्टी, आजादी का आंदोलन करने वाली पार्टी, वो इस बयान से कन्नी नहीं काटती है, इनको नोटिस नहीं देती है और फिर से टिकट दे दिया। क्या कहना चाहते हैं आप, उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ने देना पड़ेगा चुनावों में। आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि 130 लगभग जो सीटें हैं साउथ में, आपको कितनी उम्मीद है इस बार आएंगी? पिछली बार तो आपको कर्नाटक और तेलंगाना के बीच में 29 सीटें मिली थी। देखिए, तुम इधर उधर ईस्ट वेस्ट साउथ सेंटर मत गिनो भाई, 370 गिन लेना। नहीं, 370 में नॉर्थ में तो बहुत सारे प्रदेशों में आपकी करीब करीब पूरी पूरी सीटें हैं, तो मैं कह रहा हूं कि एडिशनल 70 सीटें कहां से आएंगी? ऐसा है भाई, जब मैं 300 कहता था तब भी तुमने राहुल जी मुझे ये सवाल 2019 में पूछा था कि तुम लाओगे कहां से। मैंने कहा काउंटिंग के दिन दोपहर को बता दूंगा, और हमारी 300 पार हो गई। इस बार भी मैं कहता हूं, काउंटिंग को 12 बजे मुस्कुराते हुए चेहरे पर कहना, मोदी का वादा पूरा हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ, भाजपा 370 पार। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ से आप और उम्मीद देख रहे हैं, जैसे कर्नाटका में आपके ढेर सारे स्पेस हैं जी। बंगाल में हम बढ़ सकते हैं, उड़ीसा में बढ़ सकते हैं, तेलंगाना में बढ़ सकते हैं, हम तमिलनाडु केरल में बढ़ सकते हैं, ढेर सारी जगह हैं, पंजाब में बढ़ सकते हैं। नीचे से शुरू करते हैं, केरला में अकाउंट खुलेगा इस बार? भाई मैं आपको कहता हूँ, आप पीसमिल अकाउंट में मत जाओ राहुल बाबू, आप 370 गिन लेना, मैं उस दिन आपके शो पर आऊंगा और बताऊंगा कि हमने कहा था देश की जनता के आशीर्वाद से, और इसमें भाजपा का कोई पराक्रम नहीं है, इस देश की जनता का स्नेह नरेंद्र मोदी जी पर है, हमारे नेतृत्व पर है, हमारी पार्टी पर है, वो ही वोट में कन्वर्ट होगा, वो ही सीट में कन्वर्ट होगा और 370 पार हो जाएगा। तो आप उड़ीसा के बारे में तो कुछ बताइए कि साथ में है या नहीं, साथ में अलग अलग लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ेंगे? पांड्यन जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि सब प्रधानमंत्री के हाथ में है। अभी तय नहीं हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तय करेंगे, परंतु इतना निश्चित है कि हम उड़ीसा में हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी करने जा रहे हैं। उड़ीसा की जनता का मोदी जी के प्रति जो प्यार है, वो हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उष्मा के साथ और विनम्रता के साथ उसका स्वीकार भी करते हैं, इसको फील भी करते हैं। सीटें बढ़ेंगी पिछली बार से लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा में क्या होगा? निश्चित रूप से विधानसभा लोकसभा दोनों में बड़ी बढ़ोतरी होगी, और चुनावी पंडितों की गिनती से कई गुना ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की। उड़ीसा में सरकार बनाने की हालत में है आप लोग? कुछ भी हो सकता है, पहले तय हो जाए कि हम साथ में जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं। साथ में जाएंगे तो बीजू बाबू नेता है, तो स्वाभाविक रूप से हम साथी के रूप में लड़ेंगे, अकेले जाएंगे तो हम सरकार बनाने के लिए ही लड़ेंगे। पांड्यन जी ने एक अच्छी अजीब सी बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए सेंटर में बीजेपी को बीजेडी की जरूरत नहीं है और स्टेट में बीजेडी को बीजेपी की जरूरत नहीं है, क्या इस बात से आप सहमत? देखिए, गठबंधन हमेशा जरूरियात के आधार पर नहीं होता, हमें ढेर सारी पार्टियों ने ये पूरे 5 साल में राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे थे इसमें इश्यू बेस्ड समर्थन पार्लियामेंट में दिया है, चाहे 370 हो, पहले चाहे GST करना था, चाहे बॉन्ड हो, बॉन्ड भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था जी, उस वक्त नहीं किया था जी, मगर इश्यू बेस्ड समर्थन हमें ढेर सारी पार्टियों ने दिया है, और मैं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विरोध हर मुद्दे पर नहीं होता है, जो मुद्दा देश हित में होता है इसका समर्थन इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहिए, सबने करना चाहिए। दो प्रदेश जहाँ पे चुनाव इंटरेस्टिंग हो सकता है वो
है बिहार और महाराष्ट्र, थोड़ा उस पर बात करूँगा। बिहार पर आपने फिर एक बार, पलटू राम जी तो पलटी मारते रहते हैं, इस बार आपने भी पलटी मारी और उनको आपने 16 सीटें दे दी। देखो भैया, हमने नहीं मारा है पलटी, नीतीश बाबू हमारे साथ ज्वाइन हुए, हम तो जहाँ थे वहाँ ही थे जी। हम गंगा किनारे वो पलट के वापस फिर आए, हम गंगा किनारे ही थे, गंगा किनारे ही रहे, कोई हमारे साथ आकर मिला। पर 16 सीटें उनको दे दी आपने। नहीं, वो तो बिहार यूनिट का नेगोशिएशन का जो नतीजा है वो आपके सामने है। हम पहली बार नीतीश कुमार जी से ज़्यादा सीटें लड़ रहे हैं जी। बड़े भाई की भूमिका में आए हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी तरह से बिहार में विजयी। 5 सीट चिराग पासवान जी को दी, पर पशुपति पारस को आपने डंप कर दिया, कोई उनके संग भी समझौता हो सकता है? अभी उन्होंने रिजाइन भी कर दिया आपकी मंत्रालय मिनिस्ट्री। अब समझौते की गुंजाइश नहीं रही, कम रह गई है, लगभग नहींवत है। अच्छा था अगर परिवार पूरा साथ में आता, मगर ठीक है भाई। अभी आप बड़े भाई के रूप में यहाँ आए हैं, तो क्या विधानसभा में भी बड़े भाई के रूप में ही आएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का हो? अभी कुछ नहीं तय नहीं, हमें लोकसभा का चुनाव है, 370 और 400 के लक्ष्य के लिए सब लोग लगे हैं, विजयी होने के बाद आगे का रणनीति हम बनाएंगे। इस बार देखा है बिहार में आपने और छोटी पार्टियों को भी साथ में ले लिया, यही रुख जो है महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में देखें तो आप पहले आप शिंदे जी को लाए, उसके बाद अजीत पवार आए, आज कल आपसे राज ठाकरे भी मिलकर गए हैं, तो कितनी सीटों का आपको, पिछली बार 41 सीटें थी आपकी 48 में, क्या उससे ऊपर? हम 41 से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे। और ये जो घमंडिया गठबंधन प्रचार कर रहा है, पार्टियां तोड़ी, पार्टियां हमने नहीं तोड़ी है। शिवसेना तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम ने किया है। अगर वो एकनाथ शिंदे को उनका उचित सम्मान देते तो शिवसेना न टूटती। और एनसीपी तोड़ने का काम शरद पवार जी की पुत्री प्रेम ने किया है। अगर वो अजीत पवार को उनका उचित सम्मान देते तो आज वो उनके साथ ही होते, हमारे साथ थोड़ी ना आते, वो तो सरकार में थे सब। मगर जब आप पुत्र पुत्री के मोह में अंध हो जाते हो तब पार्टियां टूटती है, इसका आरोप हम पर नहीं लगाना चाहिए। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप, 30 के आसपास आप, क्या क्या डिवीजन हुआ है? अभी तय नहीं हुआ है, मगर स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, और उसके बाद शिंदे, और उसके शिंदे सेना, और उसके बाद अजीत पवार। हाँ, कमोबेश यही होगा, कह रहे हैं लोग नंबर ऑफ सीट अभी तय नहीं हुई। पंजाब में क्या है, अकाली दल से कभी हाँ कभी ना बातचीत, कहीं कोई अग्रीमेंट कुछ हुआ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, और आप जिस तरह से सवाल पूछे, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना है ही नहीं, अभी नेगोशिएशन चल रहा है। तो नेगोशिएशन में तो एक ऑफर होती है, हम काउंटर ऑफर देते हैं, वो काउंटर ऑफर देते हैं, हम ऑफर देते हैं, ये चलता है, इसको हाना में नहीं देखना चाहिए। तो उम्मीद है कि मुझे लगता है 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पर आप लोग चाहते हैं कि साथ में लड़ें, ये स्वाभाविक? हम तो चाहते हैं कि हमारे एनडीए के सारे साथी हमारे साथ हो, फिर से एक बार सारा एनडीए संपूर्ण बने। परंतु भारतीय जनता पार्टी का उचित हिस्सा और हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान, वो भी हमारी चिंता का विषय होता है। तो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से बाद में फिर से समझौता हो सकता है, दरवाजे बंद नहीं है, एनडीए में रह सकते हैं? अभी तो आपने बहुत जल्दी होगी, अभी तो वो हमसे अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी सीटें लड़ने का ऐलान किया है, तो अब तो आमने सामने चुनाव लड़ेंगे और जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे, मगर अभी तो हम आमने सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं। 2-3 सवाल इन्हीं मुद्दों पर और प्रदेशों पर, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप इस बार अपनी पोजीशन को कैसे देखते हैं, क्या पिछली बार से स्ट्रांग रहेंगे आप तेलंगाना में? निश्चित रूप से जिस प्रकार का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर दक्षिण भारत की जनता मोदी जी का कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धन करने वाली बात है। पहली बार भाजपा के किसी नेता को इतना सकारात्मक, उत्साहजनक प्रतिसाद देश की जनता के, दक्षिण भारत की जनता से मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है, उत्साह बढ़ाने वाला विषय है। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि दक्षिण के सभी 5 राज्यों में हमारी पोजीशन और कंसोलिडेट होगी, हम मजबूत होंगे और बढ़कर आएंगे, न केवल हम, हमारे साथी दल भी बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल की बात मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ, वहाँ संदेश काली के बाद आपकी स्थिति, पिछली बार 18 सीटें आई थी और
लोग मान नहीं रहे थे कि आपने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है, हम लोग सोच रहे थे कि 18 सीट नहीं, पर आप 18 सीट लेके आए। इस बार आपको क्या लगता है इससे बढ़ेगी और इसका क्या कारण है? मैं बॉटम का आंकड़ा भी कह देता हूं जी, क्योंकि चुनाव काफी बाकी है, वहां 7 चरण में चुनाव होना है। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है, 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीते।